आईपीएल के 11वें सीजन में प्लेऑफ में जगह बनाने से चूकी मुंबई और दिल्ली की टीमों के बीच रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में भिड़ंत होगी। पिछले सीजन के बीच दिल्ली की कमान संभालने वाले श्रेयस अय्यर को टीम मैनेजमेंट ने कप्तान के रूप में बरकरार रखा है। वहीं दूसरी ओर रोहित शर्मा की कप्तानी में 3 बार आईपीएल खिताब जीत चुकी मुंबई अपने 4थे खिताबी अभियान की शुरुआत करेगी। दिल्ली की टीम ने इस बार अपना नाम बदला है। दिल्ली डेयरडेविल्स के रूप में टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे असफल टीमों में शुमार दिल्ली की टीम इस बार नए नाम के साथ अपनी तकदीर बदलने की कोशिश करेगी। भले ही दिल्ली की टीम का प्रदर्शन पिछले 11 सीजन में खराब रहा हो, लेकिन मुंबई के खिलाफ उसका रिकॉर्ड बराबर का है। दोनों टीमों के बीच पिछले 11 सीजन में 22 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से दोनों ही टीमों ने 11-11 मैच अपने नाम किए हैं। पिछले सीजन में खेले गए दोनों मैचों में बाजी दिल्ली के हाथ लगी। पिछले सीजन दोनों के बीच खेले गए पहले मुकाबले के जीत के हीरो इंग्लैंड के जेसन रॉय रहे थे। जेसन ने 53 गेंद में 91 रन की नाबाद पारी खेलकर मुंबई को उसके ही घर में धूल जटाने में अहम भूमिका अदा की थी। ये जीत पिछले सीजन दिल्ली की पहली जीत थी। वहीं दिल्ली में खेले गए मुकाबले में भी दिल्ली ने 4 विकेट पर 174 रन का स्कोर खड़ा कर मेहमान टीम को 163 रन पर ढेर कर दिया था और 11 रन के करीबी अंतर से जीत हासिल करने में सफल रही थी। ऐसे में बराबरी के रिकॉर्ड और पिछले 2-0 के अंतर से जीत के रिकॉर्ड के साथ दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुंबई को उसके घर पर चुनौती देने उतरेगी। कप्तान श्रेयस अय्यर मूल रूप से मुंबई के ही हैं और वो भी वानखेड़े की रग रग से वाकिफ हैं। ऐसे में दिल्ली की टीम एक बार फिर मुंबई के सामने उसके घर पर कड़ी चुनौती पेश करेगी। तो दोस्तों, आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिक आकाश को और साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।